नमस्कार दोस्तों, आप सबका शाम इलेक्ट्रॉनिक पे हार्दिक स्वागत है। मैं अपना तीसरा पार्ट पठानकोट से ले बाया सच पास पांगी उदयपुर और तलोकी ना से होते हुए अभी तीसरा पार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये मेरा तीसरा पार्ट भी आपको पसंद आएगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है। मेरा तीसरा जो पार्ट है वो शुरू होता है तलोकी नाह से लेके सरचू तक। तलोकी नाह से हम निकलते हुए मनाली ले हाईवे के ऊपर पहुंचते हैं। वहाँ जैसे हम मनाली ले हाईवे के ऊपर पहुंचते हैं तो आपको थोड़ा मनाली की तरफ जाकर एक पेट्रोल पंप आता है। तो पेट्रोल पंप से आपको गाड़ी में पेट्रोल फिल करना होता है, और अगर बाइकर है जहाँ कोई भी गाड़ी लेके आ रहा है तो वो उसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा ले, क्योंकि वहाँ से लेके आपको 300 किलोमीटर तक कोई भी रास्ते में पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। अगर बाइकर है तो बाइकर अपनी टैंकी फुल करवा ले और साथ में दो कैन ले ले, जिसके बीच में 5-5 लीटर की कैपेसिटी हो, वो अपनी फिल करवा के अपने साथ कैरी कर ले। तो गाड़ी अगर लेके आ रहे हो तो गाड़ी की भी टैंकी आप फुल करवा लो। इस पेट्रोल पंप के आगे आपको 300 किलोमीटर से पहले कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। जब हम कलोंग पहुंचे तो हमें पता लगा कि रात की बारिश के कारण वो रास्ता बंद हो चुका है। जो पत्थर कैंकर था वो पहाड़ों से नीचे आकर रोड ब्लॉक कर चुका है, तो रोड को खुलते खुलते टाइम लग जाएगा। तो हम पूरा दिन वहीं कलोंग में एक होटल लेके वहीं रहे और रात भी हमें वहीं व्यतीत करनी पड़ी। और जहां बाद में हमें सुबह जाके कोई 12 बजे के बाद पता चला कि रोड जो ब्लॉक था वो JCB के द्वारा ग्रिफ वालों ने खोल दिया है। तो हम फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं कलोंग से। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, आपको बताते हैं कि इस रोड पे कैसा रोड है और कैसे बाइक वगैरह और गाड़ी वगैरह चलाई जाती है और रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे पत्थरों के ऊपर से निकलना पड़ता है, पानी के झरनों के बीच में से निकलना पड़ता है। तो मगर इस रोड के ऊपर मैक्सिमम आपको बाइकर देखने को मिल जाएंगे, जो कि ऑल ओवर इंडिया से दिल्ली मनाली से होते हुए लेह से होते हुए श्रीनगर को उसके रास्ते वापस होते हैं। हम भी जो गए थे तो हम भी पठानकोट से बाया सच पास से होके ले से होके हम श्रीनगर से होके हम उधमपुर से होते हुए हम पठानकोट को वापस आएंगे। अभी ये मेरा पार्ट थर्ड है, इसके बाद फोर्थ पार्ट भी आएगा, क्योंकि हमारा जो ये टूर था 12 दिन का था। अभी मेरे इस टूर को 3 दिन हुए हैं, तो जो सरचू में हमने चौथा दिन अपना व्यतीत किया था वहाँ तक का मैं ब्लॉग आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा वो सरचू से लेके ले तक का होगा, जिसके बीच में आपको ले मार्केट और ले की मोनेस्ट्री वगैरह सब मैं ब्रीफ करूँगा। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो देखिए हम ये मनाली और ले हाईवे कैसा है और कैसा रोड है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। कुछ जगह पे तो रोड है ही नहीं है, पत्थरों के बीच में से निकलना पड़ता है, पानी आता है, पानी के बीच में आपका मोटरसाइकिल वगैरह बंद हो जाता है या स्लिप हो जाता है, तो कैसे निकाला जाता है। ये मेरी वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए कि कैसे इस रास्ते पे मज़ा आता है और ये एक अलग ही तरह की जर्नी होती है। जो भी एक बार बाइकर कर लेता है तो उसका बार बार इस रूट पर आने को दिल करता है। तो आप अगर नए हैं तो मेरी वीडियो देख के भी आप इस रोड की प्लानिंग कर सकते हो कि कैसे इस रोड के ऊपर चला जाए। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। ਕਾਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪੈਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰਸਤਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਜਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀਆ Thank you.
मार दी टी मोटरसाइकिल उड़ गया मेरा मोटरसाइकिल मैं कब पीछे लग गया थोड़ी जानी पीछे लग गया मैं मेरा मोटरसाइकिल पीछे लग गया पानी बड़ा गंदा जाना कुड़ी जाना मेरा मोटरसाइकिल पीछे लग आया मैं क्या कुड़ी जाना मोटरसाइकिल Randy, they come on.